कृपा करके कमजोर दिल वाले इस कहानी को न देखें, सिर्फ बहादुर लोग ही इस कहानी को अंत तक देखें। धन्यवाद। एक गांव विकास नगर में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज रात होने पर जंगल से निकलकर गांव में जाती और जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ जंगल में उठाकर ले जाती थी। चुड़ैल के डर से रात होते ही गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अपनी गुफा में पहुंचकर चुड़ैल उस आदमी को उल्टा लटका देती है और उसके सर से सारा खून निकाल कर अपने कटोरे में भर लेती है। बहुत स्वादिष्ट खून था इसका, मजा आ गया आज इसका खून पी के, कल फिर जाऊंगी उस गांव में। अरे चचा, अब तो हद ही हो गई, ऐसा कब तक चलेगा? हम ऐसे डर डर के अपने घरों में कब तक रहेंगे? हमें इस चुड़ैल से बचने का कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ मियाँ, बात तो सही कह रहे हो, आने दो उसे, आज रात जब वो आएगी तो हम सब लोग मिलकर उससे बात करते हैं कि हमारे गांव का पीछा छोड़े और कहीं और मरे जाके। और रात होते ही चुड़ैल एक बार फिर जंगल से निकलकर गांव की तरफ जाती है। और गांव पहुंचकर, अरे क्या बात है, आज तो सारे लोग घर के बाहर खड़े हैं, लगता है आज फिर से मेरी दावत होगी। अरे गांव वालों, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है जो सबके सब मरने के लिए बाहर खड़े हो? चुड़ैल जी, हम सब लोग तो तुमसे बात करने के लिए ही बाहर खड़े हैं और हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझसे बात करने के लिए खड़े हो, बोलो क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो, मेरा खून पीने का वक्त हो रहा है। चुड़ैल जी, हमारा गांव बहुत छोटा है, इसमें बहुत कम लोग रहते हैं, अगर तुम रोज एक आदमी को अपने साथ उठा कर ले गए तो जल्दी ही पूरा गांव खाली हो जाएगा, फिर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब गांव वाले बच सकें और तुम भूखे भी न रहो। बात तो सही कह रहा है तू, तो सुनो, तुम लोगों को मुझे रोज रात को एक कटोरा खून देना पड़ेगा। अगर तुम लोग मुझे रोज एक कटोरा खून दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि किसी को अपने साथ उठाकर नहीं ले जाऊंगी। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हम सब गांव वाले रोज बारी बारी से तुम्हें एक कटोरा खून दिया करेंगे। इतना कहकर मुखिया सबसे पहले अपना हाथ काटकर एक कटोरा खून चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल उसका एक कटोरा खून लेकर अपनी गुफा की तरफ चल देती है। और अपनी गुफा में पहुंचकर चुड़ैल मुखिया का एक कटोरा खून पी जाती है। ओहो, इस बूढ़े मुखिया का खून तो बिल्कुल बेस्वाद है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार किसी जवान आदमी का खून लाऊंगी। और अगले दिन रात होते ही चुड़ैल एक बार फिर गांव पहुंच जाती है। अरे मुखिया, तेरा खून तो बिल्कुल बेस्वाद निकला, मुझे तेरे जैसे बुढ़े का खून नहीं पीना। ओ लड़की, तू आ गया, आज तेरा एक कटोरा खून पीऊंगी। अरे कल्लू,
तू दे दे आज अपना खून, मैं बाद में दे दूंगा। मुझे आज बुखार है और तबीयत भी सही नहीं लग रही, तू दे देना भाई आज अपना खून। अबे अपनी नौटंकी बंद कर, खून देने की अपनी बारी आई तो तबीयत खराब हो रखी तेरी। सुबह से अभी तक गांव में खुले सांड की तरह घूम रहा था, डरपोक कहीं का। इसके बाद भोला आगे आकर अपना हाथ काटकर चुड़ैल को एक कटोरा खून दे देता है और चुड़ैल अपनी गुफा में लौट जाती है। वाह, उस हट्टे कट्टे लड़के का खून तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और गांव वाले रोज चुड़ैल को एक कटोरा खून दे देकर बहुत कमजोर हो जाते हैं। अरे मुखिया जी, ये तो अपना दांव अपने पे ही उल्टा पड़ गया। पहले चुड़ैल हमें ले जाकर एक बार में ही मार देती थी, अब हम रोज खून दे देकर पल पल मर रहे हैं। और देखना ऐसा ही रहा तो सब एक दिन खून दे देकर ही मर जाएंगे। सही कह रहे हो भाई, ऐसे ही एक कटोरा खून रोज दे देकर मरेंगे ही, पर हम कर भी क्या सकते हैं, शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा है। और अगले दिन खून देने की बारी कल्लू की होती है। ओ कल्लू, याद है ना, आज खून देने की बारी तेरी है। हाँ याद तो है, पर पता नहीं क्यों आज मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। हाँ तबीयत तो खराब लगेगी ही तुझे, आज तेरी खून देने की बारी जो है, तैयार रही हो रात को। कल्लू डर के मारे अपनी जगह अपने गधे का एक कटोरा खून निकाल लेता है और शाम को चुड़ैल के आने पर, लाओ मेरा आज का एक कटोरा खून। लो चुड़ैल जी, आपकी सेवा में पेश है कल्लू का ताजा ताजा एक कटोरा खून। इस खून में से मुझे बदबू क्यों आ रही है? मुझे सुबह से बहुत तेज बुखार था चुड़ैल जी, शायद इसलिए बदबू आ रही होगी। और खून चक्के मुझे बेवकूफ बनाता है, अपना बोल के मुझे जानवरों का खून देता है, मैं जानवरों का खून नहीं पीती, आज तुझे ही उठा कर ले जाऊंगी। चुड़ैल कल्लू की चालाकी से गुस्सा होकर कल्लू को उठाकर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और कल्लू को भी उल्टा टांग कर उसके सर से सारा खून अपने कटोरे में निकाल देती है। बड़ा होशियार बनता था, निकल गई सारी होशियारी, मगर जो भी हो बहुत स्वादिष्ट खून है इसका। और अगले दिन गांव में दूसरे गांव से एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा को देखते ही गांव के सभी लोग साधु बाबा के पास आ जाते हैं। साधु बाबा, साधु बाबा, आप हमारी रक्षा करो बाबा, हमारे गांव में चुड़ैल का आतंक है, हमारी रक्षा करो। अलोक निरंजन, पूरी बात बताओ बच्चा, तुम लोग आखिर क्यों परेशान हो? गांव वाले सब लोग मिलकर साधु बाबा को पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह चुड़ैल रोज रात गांव वालों से एक कटोरा खून ले जाती है। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। ऐसा करो, आज तुम मेरा एक कटोरा खून उस चुड़ैल को दे देना, तुम्हें उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और रात होते ही
चुड़ैल के आने पर सभी गांव वाले मिलकर साधु बाबा का एक कटोरा खून चुड़ैल को दे देते हैं। अरे वाह, इस खून से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही चुड़ैल साधु बाबा के खून का एक कटोरा पीती है, साधु बाबा के पवित्र खून की वजह से चुड़ैल आग में जलने लगती है और वो वहीं भस्म हो जाती है। आ, 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 आ।